वरुण और मैंने एक प्रोमो शूट किया था जी सिने के लिए जो हमने ही लिखा था पर अच्छा, लिखा नर्वस <laughs> हूँ काफी, काफी हो गया है, मुझे स्टेज पे जा के आ, करके no, 2022 का पता नहीं लेकिन 2023 तो सुपर लग रही है अभी हम सबके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में आई थिंक इट्स करण जोहर

An exciting announcement about Z Sign Awards 2023 by Box Office Darling Alia Bhatt and Varun Dhawan. Uh, firstly, thank you everybody for joining us here today. Um, Actually, मैं काफी नर्वस हूँ, काफी टाइम हो गया है मुझे स्टेज पे जा के um, करके। I have not uh, had that stage show performance adrenaline in a very long time. Mm -hmm. In fact, मैं अभी Varun से बात कर रही थी कि मुझे याद नहीं है कि मैं last time स्टेज पे कब थी। पर के साथ एक बहुत स्पेशल रिश्ता है हमारा स्पेशली वरुण right. और मैंने एक प्रोमो शूट किया था जी सिने वार्ड के लिए। जो हमने लिखा था पर मेरा वो पंचलाइन था अच्छा। जो हमने ही लिखा था सॉरी यू टूक हां तो बहुत साल पहले हमने एक प्रोमो शूट किया था जिसमें वरुण और मैं

और मुझे अभी भी याद है लास्ट टाइम एन वी परफॉर्म आई थिंक लास्ट टाइम आई परफॉर्म आलिया द सो वी सो वी बोथ आर बैक परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज अगेन एंड बहुत स्पेशल है क्योंकि इट्स टाइम टू सेलिब्रेट सिनेमा इट्स टाइम टू सेलिब्रेट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दिस ईयर एंड कान वेट आई लव द स्टेज मुझे मतलब uh, मैं बहुत वेट करता हूँ कि कब मैं स्टेज पे जाके डांस करूँ वेल वॉट आई एम गोइंग टू परफॉर्म ऑन आई आई रिवील राइट नाउ बट डेफिनेटली थिंक वन ऑफ मोस्ट स्पेशल इयर्स क्योंकि um, जिस जिस तरह के गाने पे मैं इस साल परफॉर्म करने वाली हूँ आई थिंक इट्स बिन द बिगेस्ट हिट्स ऑफ माई करियर ढोलीडा केसरिया यू नो नाचो नाचो सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड इट्स डेफिनेटली गुना बी एन एक्ट दैट आई हैव नॉट डन बिफोर हमारी मीटिंग अभी अभी हुई है एंड वे आर ऑल वेरी एक्साइटेड एंड वेरी चार्ज सो या I'm excited. <laughs> when you put in hard work and effort to a f for a film, whether it's an actor, technician, director, anybody, it's nice to be recognized for your work because you feel like, a chalo. you know, all the hard work that I I put in, I've been awarded for it." But that doesn't mean that anybody else's hard work is gone to waste just because there's not an award come their way or something like that. So I feel an award is a nice way of recognition, but the biggest award is the audience's love. इमोशनल आई डोंक मैं काफी इमोशनल सी हूँ तो थोड़ा बहुत बाई द एंड ऑफ इट इवन इफ आई ट्राई टू बी कुलटल इमोशनल बिकॉज यू आर सो ग्रेटफुल टू एवरीबडी हु इज बिन अ पार्ट ऑफ यूर जर्नी तो वो मैं आई थिंक हर अवॉर्ड शो में मैं इमोशनल हो जाती हूँ मैं दूसरों के स्पीच में भी इमोशनल हो जाती हूँ और एक इमोशनल सा माहौल हो जाता है दच एनर्जी इन द रूम सो या द्री मोस्ट इमोशनल पीपल हमारे इंडस्ट्री में आई थिंक इट्स करण जोहर रणवीर सिंह एंड एंड आलिया जिनकी अभी पिक्चर आने वाली है इमोशनल ये टाइटल किंग क्वीन प्रिंसेस क्यूट है बट आई फील मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करती हूँ कि आप फिल्म और कैरेक्टर देख रहो तो मैं खुश रहूँगी कि अगर मेरे लास्ट फिल्म जो भी रिलीज़ हुई है आप वो कैरेक्टर से मुझे बुलाए जैसे जब लोग मुझे गंगू बाई बुलाते हैं मैं बहुत खुश हो जाती हूँ दैट आई फील इज़ अ वेरी stronger थिंग कि आपने कैरेक्टर दिलों लोगों के दिलों में छाप दिया hmm.